ऑलराइट, हम आगे बढ़ते हैं और फेडरल बैंक की 93वीं एजीएम में बैंक के एमडी सीईओ श्याम श्रीनिवासन ने कहा कि भारत की ग्रोथ के साथ बैंक की ग्रोथ जारी रहेगी। जैसे देश 5 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी की तरफ बढ़ रहा है, जल्द ही फेडरल बैंक का मार्केट कैप 5 ट्रिलियन रुपये होगा। We all know that the Indian economy is well positioned for sustained growth and the decade is ours for the taking. The federal story mirrors the India story in many ways. The country is on its way to becoming a $5 trillion economy. Federal too is poised to cross the 5 trillion rupee mark in business size very soon. India is already already in the top 5 largest economies in the world, and we too as a bank are literally kicking the doors of getting into the top 5 private sector banks in the country. We, like India, have been investing in, we would like to ensure that we capitalize on the strong platform we've built over the years. At the current rate, India's median age and the bank's average age are soon to converge very soon. While we have established an operating rhythm that sets us up for consistent growth in the high teens, we are acutely aware that there are many opportunities, many segments, many areas that present us with higher growth opportunities. पीएम मोदी ने महाराष्ट्र को 76,000 करोड़ के प्रोजेक्ट्स का तोहफा दिया है। शुक्रवार को महाराष्ट्र के दौरे पर पहुंचे पीएम मोदी ने पालघर के सिडको ग्राउंड में 76,000 करोड़ के प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन भी किया। इसमें वधावन पोर्ट प्रोजेक्ट भी शामिल है। इसका पहला फेज 2029 में और दूसरा फेज 2039 में पूरा होगा। पीएम ग्लोबल फिनटेक फेस्ट में भी शामिल हुए, जिसमें उन्होंने पिछले 10 साल में 31,000 करोड़ के निवेश की भी बात कही है। महाराष्ट्र के विकास को प्राथमिकता बताते हुए उन्होंने विरोधी दलों पर प्रहार करते हुए विकास पर हमेशा ब्रेक लगाने का आरोप भी लगाया। प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन करने के बाद उन्होंने सिंधुदुर्ग में 26 अगस्त को शिवाजी की प्रतिमा गिरने के मामले पर माफी भी मांगी और कहा कि छत्रपति शिवाजी महाराज हमारे लिए पूजनीय हैं। इतने बड़े महान सपूत का अपमान करके जिनको पश्चाताप नहीं होता है, महाराष्ट्र की जनता उनके संस्कार को अब जान ले। और ये हमारे संस्कार है कि इस धरती पर आते ही आज मैंने पहला काम मेरे आराध्य देव छत्रपति शिवाजी महाराज में उनके चरणों में सर झुका करके क्षमा मांगने का कर रहा हूं।